हाय दोस्तों, आपका स्वागत है टीच वेल के एक नए लेक्चर में। आज हम लेक्चर नंबर 17 देखेंगे संप्रेषण का। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इन चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, क्या लेखन कौशल। लेखन कौशल के बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं, उसके बाद इसमें पहला टॉपिक सार लेखन के बारे में जानेंगे। सार लेखन यानी कि जो भी हम बहुत बड़ा चीज लिख रहे हैं उसको संक्षिप्त में यानी छोटा सा शब्द में कैसे लिख सकते हैं, जैसे अनेक शब्दों का एक शब्द, उसी प्रकार होता है सार लेखन। हम देख लेते हैं अपना लेखन कौशल का जो भी परिभाषा है वही स्टार्ट करते हैं। ये लिखित संप्रेषण आपने पढ़ा ही होगा शुरुआत के वीडियोस में, उसी का है। तब तक आप हमारे लेक्चर नंबर 16 तक नहीं देखे हैं संप्रेषण का, तो लेक्चर नंबर जाके 16 तक देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है सारे वीडियोस, और मैकेनिक्स का भी लेक्चर साथ में आप पैलर में देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप देखिए मेन मेन पॉइंट अंडरलाइन भी किए हुए हैं। क्या तो किसी भाषा विशेष में स्वीकृत लिपि प्रतीकों के माध्यम से विचारों तथा भावों को अंकित या लिखने करने की कुशलता को ही लेखन कौशल कहते हैं। जैसे देखिए, हम अपना भाव या विचार जो भी है आपके सामने रख रहे हैं, तो किसी खास माध्यम मतलब किसी खास भाषा माध्यम के द्वारा ना रखेंगे, चाहे वो हिंदी हो सकता है, चाहे वो इंग्लिश हो सकता है, चाहे आपको तमिल आता हो तो हमको या आपको तमिल आता हो तो दोनों को आना चाहिए, तमिल में रख सकते हैं या उर्दू में, मतलब किसी प्रकार के लिपि में जो स्वीकृत हो उसमें प्रतीक। जैसे कि ये आधा र का प्रतीक है, किसका आधा र का प्रतीक है, वही ये किसी शब्द के नीचे लग जाएगा तो री का प्रतीक है, किसी शब्द के ऊपर लग जाएगा तो र का प्रतीक हो जाता है। तो ये मतलब कि ये जो है ये प्रतीक है, तो हम इसमें बता सकते हैं। जैसे ये बिंदु है अनुस्वार का प्रतीक, उसी प्रकार ये इन प्रतीकों का यूज करते हुए हम, या फिर जो अक्षर है जैसे कि इसको हम क ही पढ़ते हैं हिंदी लैंग्वेज में, तो ये क हो गया। इंग्लिश में जैसे हम इसको ए पढ़ेंगे तो वो इन अक्षरों का या प्रतीकों का प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसी को लेखन कौशल कहते हैं। ये किसी भी माध्यम में किसी भी लिपि में हो सकता है, हिंदी इंग्लिश, जैसे हिंदी का देवनागरी का संस्कृत में भी हो सकता है, संस्कृत का देवनागरी उसमें भी हो सकता है। फिर क्या लेखन कौशल के लिए हमें मौखिक कौशल, देखिए क्या है तो मौखिक कौशल सोचने या समझने की क्षमता, सोचने की क्षमता आना चाहिए, भाषा लिपि मात्रक प्रतीकों का भी ज्ञान होना चाहिए। जैसे देखिए, हम पहले कुछ लिखने से पहले कुछ सोचते हैं ना, आप कुछ लिखने से पहले आप भी कुछ सोचते होंगे, हम भी लिखने से पहले कुछ सोचते हैं कि हमको क्या बोलना है, क्या सोचना है। तो ये आपका मौखिक कौशल, जब तक आप मतलब सोचने या समझने की क्षमता आप में जब तक नहीं होगा, आप लिख अच्छा एक अच्छा लेखक नहीं बन सकते हैं। कोई भी पेपर का संपादक होता है या कुछ भी होता है तो वो देखते होंगे आप कम शब्दों में आपको बहुत सारा जानकारी देने की कोशिश करता होगा, या समाचार वाले ये तो बोलेंगे ब्रेकिंग न्यूज, मतलब कि ब्रेकिंग न्यूज आज यहाँ पे फलाना चीज, फलाना जगह पे फलाना चीज हुआ, मतलब कि कुछ कोई जगह के नाम लेके वहाँ पे ये चीज हुआ, वो मतलब कम शब्दों में पूरा कहानी बता देते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ बता देते हैं। तो ये मतलब कम चीज़ों में आपका पूरा सब कुछ बता देते हैं कि मात्रकों का प्रयोग करके, भाषा का कोई खास भाषा होता है उनका, हिंदी इंग्लिश कुछ भी होता है, लिपियों का प्रयोग करके मात्रक प्रतीकों का ज्ञान होना चाहिए, जो भी लिखने के कौशल के लिए जो भी हम लोगों को जरूरी है, और सोचने समझने की क्षमता हमारे अंदर अच्छा होना चाहिए, मौखिक कौशल भी हमारे अंदर होना चाहिए, मेन कहना यही था। फिर देखिए उद्देश्य क्या क्या है, वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखना। लेखन कौशल का मेन पहला उद्देश्य क्या है, तो हम वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखें, यानी कि जो भी हम जान रहे हैं, जैसे कि देखिए इंग्लिश में हम ABCD ये सब जो हमारे जो अल्फाबेट है उनको वर्ण कहते हैं, उनको हम ठीक ठीक लिखना सीख जाएं। लेखन कौशल का अर्थ मतलब पहला लक्ष्य वही होता है कि वर्णों को ठीक ठीक लिखना सीखना। उसका क्या है, सुंदर लेख का अभ्यास करना। जैसे कि देखिए आप सब सूत्र लेख पढ़े होंगे जो इसका लेखन कौशल का एक भाग है, सूत्र लेख, उसमें देखते हैं आप कितना स्लो मतलब अच्छा से लिखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैं ही लिख रहा हूँ, अभ्यास ही हम लिख रहे हैं यहाँ पे, देखिए इसका और इसका अभ्यास में अंतर है कि नहीं, कि यहाँ पे जल्दीबाजी में लिखे, यहाँ पे आराम से एकदम स्थिरता से लिखे। तो वही है, यही सीखना का, देखिए हम इतना आराम से प्यार से इसको लिख सकते थे, सीखना यहाँ पे देखिए। तो वही है, मतलब कि जो भी सूत्र लिखे उनको वर्णों को अच्छा से लिखना, अपनी राइटिंग को सही करना, सुधारने की कोशिश करना है, इसका उद्देश्य होता है। तीसरा उद्देश्य क्या है, तो शुद्ध अक्षरों का ज्ञान होना। शुद्ध अक्षरों का ज्ञान होना यानी कि सीखना हम ऐसे लिख रहे हैं, कहीं कहीं पे कोई भी लिखता है तो मतलब कुछ भी मांगे, चलिए एक बीच ऐसे होता है, ठीक ये हो गया किसी के बीच वाला, अब कोई कोई बीच ऐसे भी लिखता है, शुद्ध कौन है ये है, तो उसी का मतलब हमको ज्ञान होना चाहिए। हम जितना बार लिखेंगे उतना ज्यादा हमको गलती पता चलेगा अपना, उतना ज्यादा हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो यही है कि मतलब कि जो भी अच्छा होगा सुधारने की तरीका, हम उसको लेखन कौशल आना जरूरी है।
फिर क्या है, तो वाक्य रचना के नियमों में, नियमों से परिचित होना, यानी कि वाक्य रचना यानी कि हम संज्ञा कहाँ पे आएगा, पहले आएगा बाद में आएगा, लेखन कौशल जब तक आप लिखना नहीं जानेंगे संज्ञा के बारे में आगे आएगा पीछे आएगा, आपको बस जान गए हैं लेकिन लिखना नहीं जान रहे हैं, बस नियम जान गए कि हाँ पीछे आएगा आगे आएगा सब कुछ ठीक, लेकिन लिखना आप जानते ही नहीं है, तो फायदा क्या? तो वही लिखते लिखते ही आपको पता चलेगा कि हाँ संज्ञा पहले आएगा सर्वनाम बाद में आएगा, या वो पहले आएगा या वो बाद में आएगा। फिर क्या, लिपि शब्द मुहावरे का ज्ञान होना। आप हिंदी लिखना अच्छा से सीख गया तो आप बोल सकते हैं कि हमको देवनागरी लिपि का ज्ञान हो गया है, अच्छा से बोलना लिखना सब कुछ का ख ग ये सब सीख गए हैं, तो उसमें देवनागरी लिपि का ज्ञान हो गया है। मुहावरा बनाना सीख गए, यानी कि बहुत बड़ा वर्ड है उसको छोटा में कन्वर्ट करना सीख गए हैं, जैसे कि जैसे मुहावरा में होता है कि आम गुस्से से लाल आँख है, यानी कि जो भी है किसी पर्सन का हमने कुछ नुकसान किया वह हमें गुस्से से लाल आँखों द्वारा देख रहा है, यानी कि उस गुस्सा में है, लाल आँख करना यानी गुस्सा होना, तो वही छोटा सा चीज मतलब बना सकता है शब्द। फिर विराम चिन्हों का प्रयोग करना, यानी कि यहाँ पे हम विराम चिन्ह लगाए तो क्यों लगाए हैं, किस लिए लगाए हैं, उसका भी नियम आपको पता रहना चाहिए, वो चिन्ह यानी कि यहाँ पे हम कोमा क्यों नहीं लगा सकते थे, वही विराम चिन्हों का फिर प्रयोग करना सीखते हैं हम लोग। अब लेखन कौशल में थोड़ा सा बचा हुआ है कि वही मतलब लेखन कौशल का प्रकार क्या क्या है, थोड़ा सा उदाहरण भी देख सकते हैं हम लोग, उसके बाद सार लेखन स्टार्ट करेंगे। सार लेखन जिसमें हम जानेंगे कि कोई भी बड़ा चीज़ है मतलब बहुत बड़ा चीज़ है, इतना सही बड़ा चीज़ है उसको हम छोटा समय क्या लिख सकते हैं, जैसे कि देखिए परिभाषा ही है किसी भी इतना बड़ा चीज़ है मतलब इतना बड़ा तीन लाइन का परिभाषा है, इसको हम सिंपल लेखन कौशल कह सकते हैं। तो वही है कि इतने बड़े चीज़ को हम कैसे छोटे से शब्द में प्रयोग कर सकते हैं, और जो भी जानकारी हो सटीक हमको मिलना चाहिए, ये नहीं कि पूरा छोटा कर दे और जानकारी ही ना मिले हमको, तो ये जानकारी हमको सटीक चीज़ों में मिलना चाहिए। अब देखिए जैसे कि आप कोई भी चीज़ होता है आजकल तो व्हाट्सअप का जमाना चला हुआ, कोई भी चीज़ को थैंक्स को टी वाई लिख देता है सब कुछ, मतलब जिसको समझ में आ रहा है उसको तो ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको पहली बार बताना पड़ेगा समझाना पड़ेगा, तो यही है। वैसे तो व्हाट्सअप पर बहुत कुछ होता है छोड़िए ना, लेकिन और सॉरी फन के अलावा चलते हैं इस पर अभी, ये चीज़ सब कुछ आप देख लीजिएगा ठीक, लिखिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, हम आगे भी आपसे मिलते हैं। चलिए अब आगे देख लेते हैं, आगे हम देख लेते हैं क्या, तो प्रमुख चरण कौन कौन से हैं और प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं किसके, तो लेखन कौशल के। लेखन कौशल का प्रमुख चरण में मतलब कि कौन कौन से चरण को हम यूज़ करके लेखन कौशल को अपना लेखन कौशल जो है उसको अच्छा बना सकते हैं, कौन कौन से तत्व हैं लेखन कौशल के जिनको हम ध्यान रख के अपना मतलब अपने आप को और अच्छा लिखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि पहला चरण क्या है, तो पूर्व लेखन। पूर्व लेखन यानी कि हम पहले अभ्यास करते, कोई भी चीज़ लिखने से पहले हम अभ्यास कितना करते हैं, जितना अभ्यास हम करेंगे उसको उतना अच्छा से लिख पाएंगे हम। जैसे कोई भी राइटर होता है या कोई भी मतलब लेखक ही होता है तो अपने कहानी कम से कम 8 से 10 बार 12 बार 15 बार मतलब पहले लिखता है वो, फिर उस कहानी को संक्षेप में करता है, फिर उसके बाद उसमें संशोधन करके संपादन करके उसका फिर प्रकाशन के लिए वो भेज देता है। तो वही पहला क्या है, तो पूर्व लेखन यानी कि पहले लिखना। उसके बाद क्या है, आलेखन यानी कि पूर्व लेखन के बाद आलेखन आता है। आलेखन यानी कि आप जैसे कि पहले तो लिख लिए ठीक, आप बहुत बड़ा कहानी लिख दिए हैं उसको आप समझिएगा, उसका कौन कौन सा जगह पे हम मुहावरा लगा सकते हैं, कि कोई छोटा शब्द लगा सकते हैं, एक शब्द का अनेक शब्द आप पढ़े ही होंगे, जैसे कि ईश्वर को मानता है उसको आस्तिक कहते हैं, जो अमर मतलब जो मरे ना उसको अमर कहते हैं। तो एक मतलब कहानी में वो चीज़ हम पहले देखते हैं कि कौन कौन सा शब्द को हम छोटा कर सकते हैं, कौन कौन सा वाक्य को हम एक शब्द में परिवर्तित कर सकते हैं, तो ये आलेखन उसी को कहते हैं समझना। इसको हम लिख सकते हैं क्या चीज़, तो समझना। फिर देखिए संशोधन यानी कि उसमें नए नए चीज़ों को जोड़ना, संशोधन। अब यहाँ पे हम समझ तो चुके हैं पढ़ के, लेकिन अब उसको जो समझे हम उसके अनुसार उसका मॉडिफिकेशन भी तो करेंगे ना। आपने सुना होगा संविधान में 71वां संशोधन हुआ, यानी कि संविधान में वो चीज़ मतलब मॉडिफिकेशन करने के लिए पारित किया गया उस सब चीज़ को, तो वही अब मॉडिफिकेशन करना ही संशोधन कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, नया चीज़ जोड़ना। उसके बाद संपादन यानी कि उसको फुल्ली रूप से आप कंप्लीट कर चुके हैं, उसका प्रकाशन होने से पहले आप जो भी होता है ना जो मेन पॉइंट उसका सब कुछ क्लियर कर देना, सब कुछ आप जान चुके हैं उसके बारे में, तो उसी को संपादन कहते हैं। आपने जानते होंगे, आप जानते ही होंगे कि हाँ इस अखबार के ये संपादन करता है, यानी कि उसी से सब कुछ फाइनल वही करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो सकता है, तो पूरी तरह से फाइनल करना है, या इसको छोड़ अंतिम चरण इसको बोल सकते हैं।
अंतिम लेखन, फिर प्रकाशन। प्रकाशन यानी कि आप उसका जो हो चुका है अब उसको आप दे चुके हैं पब्लिश होने के लिए, आप मतलब दुनिया के सामने आने के लिए आप उसको मतलब दुनिया के सामने लाने के लिए आप उसको तैयार हो चुके, तो उसी को प्रकाशन कहते हैं यानी कि पब्लिश करना। तो ये हो गया, ये सब चरण को आप ध्यान में रख के अपने लेखन कौशल को सुधार सकते हैं। उसका तत्व क्या है, तो मतलब लेखन कौशल में आप किन किन तत्वों का उपयोग करके अपने लेखन कौशल को और अच्छा से अच्छा बना सकते हैं, तो उसमें वैसे तत्वों को ही लेखन कौशल के तत्व कहते हैं। पहला क्या है, फोकस। फोकस यानी कि आप समझिएगा, यहाँ इसी से लेकर चलता है ठीक। पूर्व लेखन, आप पहले लिख रहे हैं तो आप कितनी बार लिख रहे हैं, क्या चीज़ लिख रहे हैं, आप फोकस करके मतलब अच्छे से लिखिएगा। लिखने वक्त आप सोचते हैं, सोचते हुए लिखते हैं, तो यानी कि आप फोकस करके लिख रहे हैं, ध्यान देकर लिख रहे हैं, तो ये अगर फोकस अच्छा से नहीं रहेगा तो आपका वर्ड मिस्टेक होगा, यानी कि शब्दों में आप गलती कर सकते हैं। शब्द लिखना चाहिए किसी और तरीका से, आप लिख देंगे कोई और तरीका से वो हो जाएगा। फिर क्या, विकास। फोकस किए आप, फिर समझें, उसका नया चीज़ जोड़ें, नया चीज़ जोड़ें यानी कि उसमें निरंतर विकास कर रहे हैं ना, तो वही है, अपने ज्ञान में आप निरंतर विकास करते रहिए, अपने लेखन कौशल में आप निरंतर विकास करते रहिए, वही है इसका दूसरा तत्व। यानी कि आप फोकस के साथ पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं ठीक, आप उसका मुहावरा का प्रयोग कर रहे हैं। कोई कोई मुहावरा ऐसा होता है जिसमें आप देखे होंगे कि बहुत ज़्यादा जटिल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा से उसको नहीं पढ़ेंगे आपको तो नहीं समझ में आएगा, तो ये उसका विकास करने के लिए आपको अच्छा से पढ़ना होगा। फिर एकता, एकता यानी कि आप कितना अच्छा से उसको ध्यान से सुन रहे हैं, कितना उसके प्रति डेडिकेटेड हैं आप, उसी को एकता बोलते हैं। उसके बाद क्या, सुसंगता एवं शुद्धता। सुसंगता यानी कि उसके उसको आप कितना लेके चल रहे हैं, कि ये नहीं कि आप एक दिन पढ़े चार दिन छोड़ दिए, तो ये उससे आपको लेखन कौशल का कोई फायदा नहीं होगा। ये कि आप एक दिन पढ़ें, एक ही घंटा टाइम दीजिए लेकिन रेगुलर दीजिए, तो ये सुसंगता उसको लेके चलना। शुद्धता, आप में कितना शुद्धता है, आपको पुराने जो भी आप लिखे हैं उससे मिला के देखते रहना चाहिए हमेशा, कि हाँ हम इस चीज़ को लिखना सीख गए, हम ये चीज़ जान चुके हैं, ये चीज़ हम करना सीख गए हैं, ये चीज़ से हम स्टार्ट किए थे, यहाँ से यहाँ तक हम पहुँचे तो इतना अच्छा हुआ हमारे अंदर, उस चीज़ को आप रखते रहिए और अच्छा करने की कोशिश करते रहिए, तो यही शुद्धता आ जाएगा आप में। यही था लेखन कौशल का चरण और ये उसका मतलब तत्व। अब देख लेते हैं लेखन कौशल के कौन कौन से प्रकार हैं, प्रकार देखने के बाद हम फिर सार लेखन स्टार्ट करेंगे। लेखन कौशल का प्रकार बस थोड़ा सा देख लेते हैं, उसी में उदाहरण भी हम देख लेंगे, तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, तो लेखन कौशल के प्रकार जैसे कि मैंने बोला था प्रकार देख लेंगे, उसके बाद उदाहरण देख लेंगे, शायद इसमें आज हम सार लेखन देख पाए। अभी इसमें दो प्रकार और बचे हुए हैं, कौन कौन से, अनुलेख और सूत्रलेख, इसके बाद देखना है। इसमें पहले क्या है, तो लेखन कौशल के कितने प्रकार हैं, तो तीन प्रकार होते हैं, लेखन कौशल के तीन प्रकार होते हैं। ये लेखन कौशल आपको पॉलिटेक्निक के अलावा और भी जगह देखने को मिल सकते हैं, और भी सेमेस्टर में देखने को मिल सकते हैं, इसलिए इसको अच्छा से पढ़िएगा। लेखन कौशल को तीन प्रकार है, कौन कौन से, तो पहला आपका आ जाता है सूत्रलेख, पहला आपका आ जाता है सुलेख, कौन सा, तो सुलेख आ जाता है, उसके बाद अनुलेख आ जाता है, फिर सूत्रलेख आ जाता है। सुलेख क्या है, तो सुंदर लेख, मतलब कि जो भी आप लिखते हैं अच्छा से सजा के लिखते हैं उसी को सुलेख बोलते हैं। और उसके बाद अनुलेख क्या है, तो किसी भी चीज़ का आप हूबहू कॉपी कर देते हैं उसको अनुलेख बोलेंगे। और सूत्रलेख क्या है, तो आपको सुन के, सूत्र यानी कि सुनना, आप सुन के जो भी लिखते हैं उसको सूत्रलेख कहते हैं। तो तीनों को आप देख लेते हैं, उसके बाद इन दोनों का भी डेफिनेशन देख लेंगे, मतलब इन दोनों को भी डिटेल में जान लेंगे, अभी सुलेख को डिटेल में जान लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या, तो सुलेख, सुंदर लेख को ही सुलेख कहते हैं। देखिए क्या है यहाँ पे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट हमारे पास आ गया है सुंदर लेख। सुंदर लेख यानी कि जो भी हम अच्छा से लिख रहे हैं, जो भी हम अच्छा से बना मतलब एक कॉपी में आप देखते होंगे, आपको बोला जाता है अच्छा से लिखिए, सुंदर से लिखिए, यानी कि आपको बोला जाता है सुलेख लिखिए, एक अच्छा सजावट से लिखिए, एक अच्छे ढंग से लिखिए, इतना लाइन इतने जगह में आप लिखिए, इधर स्थान छोड़िए, उनके बीच के वर्णों का स्थान जो भी है वो भी आप अच्छा से लिखिए, अच्छा से मतलब कि जो भी आप लिख रहे हो स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, उसी को कहते हैं हम लोग सुलेख। सुंदर लेख को ही सुलेख कहा जाता है। सुलेख का निम्नलिखित गुण होना चाहिए, मतलब कि सुलेख जो आप लिख रहे हैं उसमें निम्नलिखित गुण होना चाहिए, कौन कौन से, तो पहला क्या, वर्णों और शब्दों के मध्य स्थित स्थान का अनुपात निश्चित या स्थिर होना चाहिए। वर्णों एवं शब्दों का, देखिए वर्ण यानी कि जो भी एक का अगला लाइन में आप खा, अगला जगह पे आप खा लिख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे ग लिख रहे हैं, तो देखिए इनके बीच का जो भी अनुपात है, यानी कि इनके बीच का जो दूरी का अनुपात है, या इन्हीं दोनों शब्दों के बीच का जो दूरी का अनुपात है, इन्हीं दोनों शब्दों के बीच का दूरी का अनुपात है, वो निश्चित होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे लिख रहे हैं वो ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं वहीं भी ठीक है, एक निश्चित होना चाहिए, मतलब उन दोनों के बीच का जो दूरी है उसका अनुपात जो भी है, यहाँ का अनुपात जो है और यहाँ का अनुपात जो भी है, वो एक निश्चित होना चाहिए। सब साला खराब है,
निश्चित होना चाहिए। आप ये चीज जरूर, जो भी आपको मैं बता रहा हूँ उसको साइड में लिखते जाएगा, जिससे आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो सकता है। एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए, जो भी अनुपात लेंगे उसको स्थिर रखा रहना चाहिए। देख लेते हैं सेकंड क्या है। तो लिखा गया वाक्य सीधी रेखा में होना चाहिए, यानी कि जो भी वाक्य हम लिख रहे हैं वो एक सीधी लाइन में होना चाहिए। इसलिए आपको लाइनिंग वाली कॉपी में आप देखते होंगे कि दोनों जो लाइन होता है उन दोनों लाइनों के बीच में ही आपको लिखने के लिए बोला जाता है, एक सीधी रेखा में। यहाँ पे हम जो लिखने स्टार्ट करते हैं कखागा, तो वही एक सीधी रेखा में आपको लिखे हुए होना चाहिए जो भी आप वाक्य लिख रहे हैं। सॉरी, यहाँ तो वर्ड है, यहाँ पे आप लाइनिंग नहीं किया इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा जाता है, तो यहाँ पे आप नजरअंदाज कीजिए। लेकिन आप जो भी कॉपी में एक पेज कॉपी के पेज में जो भी लिख रहे हैं, जैसे कि मान के चलिए आपके पास ऐसा ही एक कॉपी है, ऐसा एक कॉपी है, तो इसमें जो भी एक लाइनिंग है ना, जो पहले लाइन है, इसी लाइन में आप एकदम सीधी रेखा में है, जो देखिए इन दोनों के बीच का जो रेखा है उसी रेखा में आप और पास कर देते हैं। देख लीजिए इन दोनों के बीच में जो आप लिखेंगे, मतलब कि जो भी आप लिखेंगे इन दोनों के बीच में लिखना है आपको, एक सीधी रेखा में लिखना है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, तो देवनागरी लिपि के अक्षरों के सिर पर शिरोरेखा लगा होना चाहिए। देवनागरी यानी कि जो भी आप जो भाषा लिखा हो देख रहे हैं ना हिंदी, वो देवनागरी लिपि के अंदर ही आता है। देवनागरी लिपि के अंदर जो भी जितने भी मतलब कि वर्ण आते हैं, जितने भी अक्षर लिखेंगे हम उसके तहत, या जितने भी वाक्य लिखेंगे उसके सिर पे, यानी कि जो ये देखिए क है, क का ये जो सिर है, ये इसके सिर पे ये जो रेखा है उसको सिरो रेखा कहते हैं। यानी कि जो भी उसका माथा है वो ढका होना चाहिए, और जो भी ये माथा को हम ढक रहे हैं का, देखिए का हम माथा ढकते हैं तो एक निश्चित अनुपात में ढकते हैं, यहाँ यहाँ से यहाँ तक के में रहना चाहिए। या किसी वर्ण का जो भी हम माथा ढकते हैं या सिरो रेखा देते हैं किसी वर्ण के ऊपर या किसी शब्द के ऊपर, एक निश्चित अनुपात में, एक निश्चित लेंथ में देते हैं उसका। ये नहीं कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं का यहाँ इतना दूर में लिख रहे हैं और माथा उसका इतना बड़ा दे रहे हैं, वैसा भी नहीं रहना चाहिए हमारे पास। हमको उसका जो सिरो रेखा है एक निश्चित अनुपात में, इतना के अनुपात में रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए हमको। उसके बाद क्या है, शब्द तथा अक्षर एक निश्चित आकार में लिखे होने चाहिए। देखिए जैसे कि कोई भी शब्द लिखे, ये भी ये एक निश्चित एक शब्द है, ये देखिए एक निश्चित आकार में है, एक अच्छा तरीके से लिखा गया चाहिए। देखिए यहाँ पे एक निश्चित आकार में है, उसका देखिए शब्द जो भी है इनके इनमें चाहिए शब्द में जितने भी अक्षर है वो भी एक निश्चित आकार में है, तो ये जो शब्द और उनके अंदर जो अक्षर हैं वो एक निश्चित आकार में होने चाहिए। वर्णों एवं मात्राओं के योग में ठीक से होना चाहिए किसी वाक्य में आदि। इसके बहुत सारे हो सकते हैं गुण, तो उसको वही बता रहे हैं आगे आदि हो सकता है, मतलब बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। तो वही आपको ये नहीं दिख रहा होगा तो आपको पीडीएफ, आप पीडीएफ जब खोलिएगा ओपन कीजिएगा ड्राइव में, तो आपको ये पूरा पीडीएफ में आपको यहाँ तक पूरा दिख जाएगा, यहाँ पे वीडियो में शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। चलिए क्या, मात्राओं एवं देखिए वर्णों एवं मात्राओं का योग वाक्यों में ठीक से होना चाहिए। देखिए यहाँ पे योग ठीक से होना चाहिए, योग में ही देखिए यह एक वर्ण है और ओ एक मात्रा है, तो इन दोनों को मिला के एक अच्छा से निश्चित अनुपात बन रहा है, मतलब जो ऐसा मिश्रण करेंगे हम जिससे एक शब्द युक्त, मतलब कि जो भी उसका अर्थ निकल सके। योग का अर्थ क्या होता है, तो जोड़ना, तो वही यहाँ पे देखिए ओ का मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं, दो वर्णों का भी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इसको एक निश्चित अनुपात में लिख रहे हैं, मतलब निश्चित तरीके से लिख रहे हैं, इसका एक सुनिश्चित हमको अर्थ मिल रहा है, तो वही ठीक से लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो भी मैंने जितने भी उदाहरण इन सब के लिए बताए उसको साइड में लिखते जाएगा ताकि अच्छा से लिख पाए। हाँ, और इसका एक और सबसे अच्छा गुण क्या होता है, तो देखिए इस पेज में तो यहाँ फिलहाल लाइनिंग क्या हुआ है, इधर पटी इतना दूर इधर छोड़ के रखना चाहिए, किसमें, तो सुलेख में इतना दूर इधर छोड़ के लिखना चाहिए। ये हमारा जो कॉपी का स्ट्रक्चर है वो किसके अनुसार दिया गया है, तो सुलेख के अनुसार दिया गया है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, आगे हम अनुलेख और सूत्रलेख देख लेते हैं। चलिए दोस्तों अब आगे देख लेते हैं, आगे हम लोग अभी वही देख लेते हैं तीन प्रकार लेखन कौशल के थे कौन कौन। तो पहला था सुलेख, दूसरा था अनुलेख, तीसरा था सूत्रलेख। पहला हम सुलेख देख चुके हैं, दूसरा अनुलेख देखते हैं। सुलेख क्या था, तो सुंदर जो भी लेख हम लिखते हैं उसको सुलेख बोलते हैं। अनुलेख हम जो अभी देखने जा रहे हैं क्या, तो अनुलेख किसी भी लिखी गई लेख का हुबहू अनुकरण करना अनुलेख कहलाता है। अनुकरण करने का मतलब होता है नकल या कॉपी करना। जैसे कि हम कोई भी क्वेश्चन का उत्तर हमको कोई टीचर देते हैं, ठीक, हम उसको सोचते हैं कि जैसा टीचर दिए हैं वैसा का वैसा ही हम चुपचाप लिख लें, तो उसी को बोलते हैं अनुकरण करना या नकल करना है। मतलब कि जो भी है लिखा गया चीज़ है उसको हूबहू हम छापने की कोशिश करते हैं ना, तो उसी को बोलते हैं अनुकरण करना। यानी कि जो भी लिखी गई लिपि, यानी कि जो भी अभी इस बोर्ड पे लिखा गया, हम आपको बोलेंगे नोट करने के लिए, आप इस बोर्ड पे जितना चीज़ लिखा हुआ आप उसको हूबहू लिख लेंगे, तो उसी को बोलते हैं अनुकरण करना या उसी को बोलते हैं अनुलेख, अनुलिपि। क्या, अनुलेख को उसी को अनुलेख बोलते हैं, सॉरी अनुलेख उसी को बोलते हैं।
अनुलेख को अनुलिपि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनुलिपि के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित गुण है अनुलेख के कौन कौन से? तो पहला क्या है, तो शब्द अक्षर एवं वाक्यों का हुबहू अनुकरण करना, यानी कि जो भी शब्द अक्षर वाक्य हमको जो भी दिए गए हैं उसको हुबहू कॉपी कर देना। अनुकरण करना मतलब कॉपी कर देना, हुबहू जैसे हमको दिया गया है उसी प्रकार से। हाँ, अक्षरों होगा, क्या होगा? अक्षरों की संख्या की कर लीजिएगा यहाँ पे। अक्षरों की संख्या मूल लेख एवं अनुकरणित लेख में समान होना चाहिए, यानी कि जो भी हम ये जो लेख दिया गया, इतना पूरा आपको दिया गया ये लेख लिखने के लिए, तो आप इसमें जितने भी अक्षर है उतने समान आपके आप में भी होगा। ये नहीं कि आप इस ये हुबहू को हटा दे या क को मिस कर दे, वैसे तो होगा नहीं। तो वही है कि अक्षरों की संख्या जितना हम मूल लेख में रहेगा उतना ही अनुकरणित लेख में भी अक्षरों की संख्या होनी चाहिए। उसके क्या इसका उद्देश्य क्या होता है? तो उद्देश्य है ठीक वैसा ही लिखने का अभ्यास करना जैसा कि मूल लेख में लिखा हुआ है, यानी कि जो भी हमको टीचर दिए हैं आंसर वैसा ही लिखने का अभ्यास करना हमें हम करते हैं इसके द्वारा। किसके द्वारा? तो अनुलेख के द्वारा, यानी कि अनुलेख क्या था? तो अनुलेख वही था जो हम हूबहू कॉपी करने या अनुकरण करने का प्रयास करते हैं किसी भी मूल या आदर्श लेख का, तो उसी को अनुकरण या अनुलेख या अनुलिपि कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं सूत्रलेख, जो कि तीसरा पाठ है लेखन कौशल का। सूत्रलेख देख लेते हैं, उसके बाद सूत्रलेख इसमें फिर उसका सार लेखन देख लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में शायद, क्योंकि ये बहुत बड़ा ही हो जाएगा ऑलरेडी ये वीडियो। चलिए तब तक आप इसको नोट डाउन कीजिए, यानी कि अनुकरण कीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लेखन कौशल के तीसरे प्रकार के बारे में जानते हैं। तीसरा प्रकार क्या है? तो सूत्रलेख है। सूत्रलेख यानी कि सुन के जो हम लिखते हैं उसी को सूत्रलेख कहा जाता है। बचपन में आप लोग बहुत किए होंगे, आपको टीचर ने बहुत सिखाया होगा कि हाँ बाबू सूत्रलेख लिखो, यानी कि वो जो वर्ड मीनिंग बोलते थे या कुछ भी बोलते थे हम उसको सुन के लिखते हैं। या आज भी हम कोई कोई टीचर प्रश्न का उत्तर बोल के लिखवाते हैं ना, हम उसको सुन के लिखते हैं, यानी कि सूत्रलेख ही लिखने का काम करते हैं। तो सूत्रलेख में पहले क्या है? तो सुनी हुई ध्वनि को लिखना, यानी कि देखिए सुनी हुई ध्वनि को लिखना ही सूत्रलेख कहलाता है। यानी कि जो भी आप ध्वनि सुन रहे हैं आसपास टीचर के द्वारा, मतलब कि जो भी ध्वनि सुन रहे हैं आप, जो भी वो बोल रहे हैं उसको ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं, तो वो ध्वनि ही नहीं आपके कानों में आ रहा है, तो उसके हिसाब से ना आप आंसर लिख रहे हैं, जो भी आप टीचर जो आपको आंसर लिखवा रहे हैं। तो वही सुनी हुई ध्वनि को ही लिखना सूत्रलेख कहलाता है। फिर क्या, सूत्रलेख में अक्षरों की सुंदरता का उतना महत्व नहीं होता है जितना भाषा की शुद्धता का होता है। देखिए आप सुन के लिखिएगा, तो टीचर है ऐसा तो नहीं है कि थोड़ा तेज ही बोलते हैं, तो वो अब कितना भी तेज लिखिएगा तो उनके बोलने की स्पीड के बराबर तो नहीं कर पाइएगा, तो आपका जो भाषा होगा तो कैसे भी लिख जाएगा, बस आप ही समझ सकते हैं आप उतना भर लिख लेते हैं। तो वही है, भाषा की सुंदरता उस पर कोई महत्व नहीं लगता, लेकिन आप कितना शुद्ध लिख रहे हैं, यानी कि जो बोल रहे हैं जितना टीचर जो बोला वो सेम टू सेम आप लिखते जा रहे हैं, वो ज़्यादा महत्व रखता है इसमें। फिर उसका क्या है, इसका उद्देश्य क्या क्या है? तो पहला, छात्रों की सुनने की क्षमता बढ़ाना, यानी कि छात्र जितना अच्छा से सुन सकते उतना अच्छा से वो लिख सकते हैं, उतना अच्छा याद रह जाएगा कि हाँ टीचर ने 2 सेकंड पहले क्या बोला था और अब क्या बोल रहे हैं। जितना अच्छा से सुनेंगे उतना अच्छा वो लिख पाएंगे। सुनने की क्षमता बढ़ाना, लिखने की गति बढ़ाना, यानी कि आप टीचर जो बोल रहे हैं कि हाँ वैसे ही आप साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं, कि सुविधाजनक है एकदम साथ ही साथ लिखते जा रहे हैं। इसमें देखिए अक्षर का सुंदरता कोई महत्व नहीं, लेकिन हाँ आप सुविधाजनक जो बोले टीचर सुविधाजनक आप लिख चुके हैं, उदाहरण ये लिख लीजिएगा ठीक। उसके बाद क्या, स्पष्ट लिखने को प्रेरित करना, कि स्पष्ट यानी कि हाँ आप समझ जा रहे हैं उतना भर स्पष्ट लिखने को प्रेरित करना ही सूत्रलेख का महत्व है। तो हम क्या देख रहे थे, हम लेखन कौशल चैप्टर देख रहे थे। लेखन कौशल यानी कि जो भी हम अपने भावनाओं को लिखकर व्यक्त करते हैं वही लेखन कौशल कहलाता है। यानी किसी भी लिपि के शब्द मात्र का प्रयोग करके हम अपनी भावनाओं को जब व्यक्त करते हैं उसको लेखन कौशल कहते हैं। लेखन कौशल का उद्देश्य क्या था? तो लेखन कौशल का उद्देश्य था कि हम जो भी अपने भावनाओं को लिख रहे हैं वो स्पष्ट होना चाहिए, उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, हमको दूसरे को भी उस भाषा का ज्ञान होना चाहिए, आदि बहुत सारे चीज थे, मतलब लिपि का ज्ञान होना चाहिए। फिर लेखन कौशल के प्रमुख चरण कौन कौन से थे जो हमने इस वीडियो में अभी देखे, फिर लेखन कौशल के तत्व देख लिए हमने, और फिर लेखन कौशल के कितने प्रकार से, 3 प्रकार। पहला हो गया कौन सा, सुलेख, दूसरा अनुलेख, तीसरा सूत्रलेख। सुलेख में क्या था, तो जो सुंदर लिखावट होता है मतलब सुंदर लिखे गए लेख को ही सुलेख बोलते हैं। फिर अनुलेख क्या था, तो अनुलेख किसी भी चीज़ को कॉपी करना यानी अनुकरण करना ही अनुलेख कहलाता है। सूत्रलेख किसी भी ध्वनि को सुन के उसको लिखना ही अनुलेख कहलाता है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सार लेखन हम अगले लेक्चर में देख लेंगे, अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 18 में देख लेंगे। आप लेक्चर नंबर 18 देखना ना भूलें, और हमारे चैनल पर प्लस सभी वीडियोज़ को देखते रहें, यानी लेक्चर नंबर 16 तक आप जितने भी वीडियोज हैं उसको देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू कि वॉच टीच वेल इन बिहार।